सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 से 7 के अराउंड और हम अभी राष्ट्रपति भवन आए हैं क्योंकि अभी रिपब्लिक डे की जो मतलब मेन रिपब्लिक डे पे परेड्स होती है तो उसके रिहर्सल चलते हैं अभी। सो हम उसके लिए कॉन्टेंट बनाने आए थे, कॉन्टेंट निकालने एंड रिजल्ट अभी मैंने 2-3 शॉर्ट्स निकालने, बहुत तगड़े आए हैं। एंड हमको यार अभी पार्किंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, लाइक हमको कोई जगह से एंट्री नहीं मिल रही थी बट हमको मिल गई। एंड अभी शायद और परेड के लिए ट्रैक्टर जा रहे हैं हमारे सामने से। एंड इस साल से अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो, लाइक इस ब्लॉक के बाद आ रहे हो, तो तुम्हें कोई पास वास बनवाना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। एंड अगर स्टूडेंट हो तो अपनी आईडी रख के रखना, अगर कहीं के भी स्टूडेंट हो से ज़्यादा बेटरली वो एंट्री मिल जाती है। ज़्यादा मतलब कोई थोड़ी सी झिझक करते हैं बट एंट्री दे देते हैं। ज्ञानेश यहाँ पे इनकी फोटोज खींच रहा है इनके कहने पे एंड रिजल्ट्स तो तगड़े आएंगे ही। सो एक और परेड आ गई अभी, अब इसका भी कंटेंट निकालेंगे हम अभी जाके। अभी भाई तो मैंने बहुत सारी वीडियोस निकाली हैं एंड बहुत सारा वो निकाला है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे, भाई तुम वीडियोस बना लो उनके एकदम मतलब 1 सेंटीमीटर पास चले जाओ, 1 मीटर दूर रहो, भाई वो तुम्हारी तरफ देखेंगे तक नहीं। भाई वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है ना अपनी उसमें परेड में या जो भी मार्चिंग में, वो बिल्कुल उधर उधर नहीं देखते, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है भाई। अगर एक्सपीरियंस करोगे लाइक बहुत सही चीज़ है। एंड भाई मेरे को हर टाइम यहाँ पे गूज़बम्स आ रहे हैं। अभी एक चीज़ नोटिस की, जो भी सारी बाइक सड़ी है ना यहाँ पे, इनकी किसी की भी टेल लाइट नहीं है, टेल लाइट किसी की नहीं है, एक भी बाइक की टेल लाइट नहीं है। एंड अभी उनसे पूछ रहे हैं जा रहे हैं टेल लाइट क्यों नहीं होती। टेल लाइट क्या है, ये प्रैक्टिस करते रहते हैं ना तो गिरती हैं तो फूट जाएंगी, तो गाड़ियों में लोड करके ला रहे हैं तो पीछे टकराएंगे, इसलिए फूट जाएंगी, तो इसलिए हटाई देते हैं। इसलिए हटा देते हैं, जिस दिन फुल फाइनल रेसल होती है उस दिन लगा देते हैं। ये भी सही बात है, इंडिकेटर भी नहीं है इसीलिए। ओके, एंड भाई ऐसे खुशी सी होती है भाई अपने आर्मी वालों को देख के, पता नहीं क्यों। एंड सच बात है ना ज्ञानेश ब्रो, क्या सच बात है कि भाई खुशी सी होती है ये सब देख के अंदर से, देशभक्ति वाली पूरी फीलिंग आती है, मजा आता है। और शोर आ रहा होगा बट ठीक है भाई। यहाँ पे हमारे एक और दोस्त मिले हमको, रुक जा, नकली आदमी है भाई, फोटो खींचना है, नकली आदमी भाई, मेरा नाम चुरा रखा है भाई ने, ओरिजिनल है भाई, सब कुछ ओरिजिनल, नकली कभी कभी कभी। एंड यहाँ पे कभी दोस्त है, हाय ब्रो, ये सिनेमाटोग्राफर है। सो दैट्स इट, तो कंटेंट तो अच्छा बन रहा है, लंबा ये पग होगा, हाँ हाँ, और इसको होल्ड करते हुए पूरे राजपथ पर, ये बहुत ही एनर्जेटिक कैरेक्टर होगा। गुजरात का गरेरिया समुदाय से ये बिलोंग करता है। ओके, इसका एक साउंड बड़ा प्यारा है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा। अच्छा, ये इसका ही है। यस यस। ओके,
यहाँ पे देखो सारे बैठे हुए हैं मेरे अलावा। हाँ, मेरा कैमरा इतना जूम इन नहीं कर पाता। ये टोपी अच्छी लग रही है, चुरा लूं? ले ले भाई, ले ले। अब हम निकल रहे हैं, ठीक है? ठीक है भाई, निकल रहे हो? हाँ यार, बना भाई जल्दी प्लान, दिल्ली दिल्ली की, दिल्ली की ले ले दिल्ली नहीं है ब्रो। भाई मैं 20 में घुस जाऊँ, यहाँ से आ रहे सालों दिल्ली कर रहे हैं, दिल्ली वाले हमें प्योर दिल्ली वाले, ऐसे NCR वाले मत बोला करो दिल्ली के। यार बताओ, तो अभी हम घर निकल रहे हैं, अब प्रेसिडेंट का नहीं पता हो कब आएंगे, बट अभी के लिए फिर ट्राई कर लेंगे। सो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जिस दिन प्रेसिडेंट आते हैं उस दिन रिजर्व लोगों को ही एंट्री मिलती है, नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती। अगर यहाँ पे नहीं आए तो फिर कहीं और चल लेंगे, यमुना घाट चलेंगे। ए यार यमुना घाट भाई, हाँ बट ये यमुना घाट में हमेशा कुछ ना कुछ नया ही मिलता ही रहता है, ये भी बात है। एंड बट यार मैं अभी यमुना घाट की ब्लॉग नहीं बना सकता ना। अरे यमुना घाट के बना बस फोटो ले, ये भी रील बना। हाँ रील तो मैं डालता ही नहीं हूँ यमुना घाट की, मैं बस इतनी सारी पता रील्स पड़ी है यमुना घाट की हर जगह की, मैंने कहीं डाली नहीं है। सो आज मैं फ्रंट कैमरे से ब्लॉग कर रहा हूँ, सो अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल सा, क्योंकि पीछे का ब्लर आ रहा है। आज के लिए वैसे कॉन्टेंट तो ठीक ठाक शूट हुआ है, लाइक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कॉन्टेंट से जो भी मैंने शूट किया आज, बट घर जाके कुछ और पता चले कहीं तगड़ा ही कॉन्टेंट आया हो, है ना। सो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट मच, बट दैट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मैं तेरा हूँ कैडी सी वाइब, वाइब तो लौंडे कह रहे इनसेन, क्यों खुशी तेरे पास है और कम मेरे हिस्से।